गाइज आज दूसरे दिन इस मैकना आइलैंड पे, वेलकम टू मैकना आइलैंड। हाय गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। तो आज मैकना आइलैंड में डे टू है और अभी मैं मैकना सिटी में रह रही हूँ। तो फिर से फेरी लेना है, ये स्टार लाइन फेरी लूंगी यहाँ से और फिर आइलैंड पे चलते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और पूरा आइलैंड घूमते हैं। आज साइकिल भी चलाऊंगी। गाइज आज टिकट के लिए बहुत ज्यादा भीड़ है। मेरे पास तो ऑनलाइन टिकट है पर आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरी लाइन बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये रही लाइन पीछे फेरी पे जाने के लिए, इस लाइन में मैं लग जाऊंगी। वो रही फेरी पीछे स्टार लाइन की और ये लाइन है, अभी इस पे जाके बैठना है। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है आज, शाम थोड़ी ठंड बढ़ जाती है पर अभी दोपहर दोपहर क्या सुबह के 11 बज रहे हैं तो इतनी ठंड नहीं लग रही। सो गाइस, कल मैं फेरी के सबसे ऊपर वाले डेक पे बैठी थी पर आज मैं सेकंड फ्लोर पे बैठी हूँ। आप देख सकते हो व्यू। आज काफ़ी भीड़ भी है क्योंकि मैं जल्दी आई हूँ। लोग अपनी खुद की साइकिल लेके भी इस आइलैंड पे जाते हैं क्योंकि अगर आपके पास खुद की साइकिल नहीं है तो आपको वहाँ साइकिल रेंट करनी पड़ेगी अगर आप साइकिल से घूमना चाहते हैं आइलैंड। तो ये ब्रिज जो आप सामने देख रहे हो ये भी काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ का गाइस। इसे मैकना ब्रिज कहते हैं और काफ़ी लंबा ब्रिज है ये। ये अराउंड 20 मिनट्स की फेरी राइड होती है मैकना सिटी से मैकना आइलैंड पहुंचने में। और ये रहा सामने आइलैंड। गाइस यहाँ पे से साइकिल रेंट कर रही हूँ, यहाँ पे साइकिल्स मिल रही हैं काफी सारी। तो यहाँ पे सभी साइकिल लूंगी। मैंने साइकिल ले ली है और ये रहा मैप। आप देखोगे तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये पूरा राउंड लगाना है साइकिल से तो बहुत मजा आने वाला है। इसमें कुछ 5 स्टॉप्स हैं और 5 स्टॉप्स कवर करूंगी। ये पूरा आइलैंड है बेसिकली और पूरे आइलैंड को चारों तरफ से आज साइकिल से देखा जाएगा तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए इस राइड में बने रहिए मेरे साथ। गाइज मेरा तो ये पहली बार था जब मैं ऐसे कभी किसी आइलैंड पे गई और साइकिल से पूरा आइलैंड घूमी। बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है ये क्योंकि कोई गाड़ी नहीं चलती इस आइलैंड पे, कोई कार नहीं चलती, मोटरसाइकिल नहीं चलती, तो सिर्फ आप वॉक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या घोड़े गाड़ी से घूम सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है जब इस आइलैंड को आप साइकिल से एक्सप्लोर करते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी मैं साइकिल चला रही हूँ। पूरा इस आइलैंड पे चारों तरफ साइकिल से घूमना है, बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ गाड़ियां नहीं होती सड़क पर, तो और भी मजा आता है। या तो सिर्फ साइकिल लोग चला रहे होते हैं, साइड में वॉक कर रहे होते हैं, या वो घोड़े वाली गाड़ी चल रही होती है। आप देख सकते हो मैकना आइलैंड पे हूँ मैं। ये देखिए इस लेक के किनारे किनारे मैं साइकिल चला रही हूँ और अभी एक व्यू पॉइंट देखने जाऊंगी। सो ये आर्च पॉइंट है गाइस। अभी 207 स्टेप्स हैं, 207 अभी पूरा ऊपर जाना है और वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है तो वो दिखाऊंगी। साइकिल नीचे पार्क कर दिया है, उधर देखिए काफी सारे साइकिल लगे हुए हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे बिल्कुल आर्च शेप का ये बना हुआ है पत्थर से
तो इसीलिए इस जगह का नाम आर्श पॉइंट रखा गया है। लोग आते हैं ये व्यू देखने के लिए। आप देख सकते कितना सुंदर व्यू है और कुदरत का करिश्मा देखिए, क्या ये बीच में टूट भी नहीं रहा, टूटता भी नहीं, और ये बहुत ही बढ़िया आर्ट शेप में बना हुआ है ये पत्थर से, और नीचे पानी। अमेजिंग व्यू गाइस। तो वो जो पानी है इतना क्रिस्टल क्लियर है कि मैं क्या बताऊं। आप देख लो अंदर जो पत्थर हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, इतना इतना क्लियर पानी है ये। और अब चलिए अपनी साइकिल से आगे का आइलैंड घूमते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं लेक के किनारे इतने लंबे ट्रेल पे साइकिल चलाई हूँ। गाइस देखिए पूरे मिशिगन लेक के साइड साइड ये आइलैंड पे साइकिलिंग करना, मैं बता नहीं सकती कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। रोड पे तो साइकिलिंग करती रहती हूँ पर लेक के किनारे किनारे इतना लंबा ट्रेल जहाँ साइकिल चला सकते हैं, इतने सुंदर व्यू के साथ बहुत मजा आ रहा है। एक खास बात बताऊं दोस्तों, आपको अमेरिका में किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे काफी सारे लोग अपने डॉग्स के साथ नजर आएंगे। यहाँ पे लोग अपने डॉग्स पेट्स को बिल्कुल बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद घूमने निकल गए और अपने पेट को घर पे छोड़ दिया या कहीं और छोड़ दिया। इनफैक्ट इस आइलैंड पे मैंने कई सारे लोगों को देखा कि वो डॉग को अपने लेके आए थे और साथ में उन्हें साइकिलिंग करते हुए भी देखा, और साइकिल के पीछे वो छोटा सा कार्ट लगा के उसके अंदर डॉग को रख देते हैं ताकि डॉग को घर पे छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो अपने पेट के साथ। दूसरा व्यू पॉइंट है ये ब्रिटिश लैंडिंग। आप देख सकते हो व्यू कैसा है। तो गाइस आप देखो व्यू, इतना साफ पानी, यहाँ पे भी पानी के अंदर के सारे पत्थर दिख रहे हैं क्लियरली। और वो रहा वो ब्रिज, मैकना ब्रिज जो बहुत फेमस है। चलिए अब चलते हैं फिर से साइकिल पे और पूरा कंप्लीट करते हैं ये ट्रेल। और सामने ये देखिए, इस बच्ची को पानी के अंदर हॉर्स राइडिंग सिखा रही है ये बंदी। मैं कहीं भी घूमने आती हूँ, मुझे वॉक करना या फिर साइकिल चलाना, ऐसी सारी एक्टिविटीज बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब ट्रिप पे हूँ, बाहर का खाना वाना खाना होता है, उतना हेल्दी खाना नहीं खा पाती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ करूँ ताकि जब वापस जाऊँ ट्रिप से तो वेट गेन करके ना जाऊँ एटलीस्ट। तो ये भी एक अलग सा आर्किटेक्चर बना हुआ है दोस्तों, इसका नाम डेविल्स किचन है। आप देख सकते हो का एक डेविल की तरह लुक है, इसीलिए इसका नाम डेविल किचन रखा गया है। और सामने आप देख सकते हो व्यू कितना सुंदर है। यहीं पे मैं साइकिल चला रही हूँ, साइकिल पार्क किया और बहुत सारे व्यू पॉइंट है तो वो कवर कर रही हूँ। और ये देखिए पूरा व्यू, बहुत ही मजा आ रहा है आज का दिन। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी इस जगह पे आने के लिए। देखिए वही ब्रिज है वो जो सुबह दिखाया था। गाइज अगर साइकिल के रेंट की बात करूं तो अगर एक घंटे के लिए आप साइकिल लेते हो तो $12 लगते हैं, अगर आप हाफ डे के लिए लेते हो यानी कि 4 घंटे के लिए तो $44 लगते हैं,
और अगर आप फुल डे के लिए लेना चाहते हो, 8 से 24 घंटे का ड्यूरेशन होता है फुल डे का, तो उसका रेट हो जाता है $72। और स्पेशली अगर सनसेट के टाइम पे आप ले रहे हो मॉर्निंग में या शाम को, तो $40 लगता है। पर मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि अगर आप इस आइलैंड पे आते हो तो साइकिल ज़रूर लेना। एक अलग ही एक्सपीरियंस है इस आइलैंड पे साइकिल चलाने का। मैं ये पूरा आइलैंड 2 घंटे में घूम ली साइकिल से, तो मैंने रेंट किया था बस 2 घंटे के लिए। गाइस अभी मैं एक रेस्टोरेंट आई हुई हूँ, आप पीछे देख सकते हो, ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। लंच करूँगी यहाँ। वेटिंग टाइम भी है, इतने सारे लोग आए हुए हैं इस आइलैंड पे कि हर जगह भीड़ है, खाने के लिए भी भीड़ है। तो वेट कर रही हूँ टेबल मिल जाए, उसके बाद अंदर जाऊँगी। आप देखो कितनी भीड़ है, कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये देखिए, मैंने ये ऑर्डर किया हुआ है, वेजिटेरियन बरीटो, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन मुझे वेजिटेरियन में नज़र नहीं आ रहा। और बाकी तो ड्रिंक्स हैं जो कि मैं पीती नहीं। तो चलिए जल्दी से ये खाना ख़त्म करते हैं और आगे के कुछ व्यू पॉइंट्स आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए कितना प्यारा घोड़ा है ये। गाइज आज दूसरे दिन इस मैकना आइलैंड पे मैं फिर से फोर्ट पे आई हूँ। आप देख सकते हो वही व्यू है जो मैंने पहले दिखाया था वीडियो में। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे, आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए दिख जाएंगे ये पूरे घास पे, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। आप देख सकते हो पीछे फोर्ट है ये, और इधर एक बड़ा सा स्टैचू है, और उधर सामने लेक मिशिगन, और सारे बोट्स फेरी क्रूज वगैरह वहीं लगते हैं। सो दोस्तों इस आइलैंड से अब मैं वापस मैकिना सिटी जा रही हूँ, फेरी लूंगी वापस। और जितना हो सका मैंने आप लोगों को ये आइलैंड दिखाने की कोशिश की। आप देख सकते हो मेरे साथ पीछे का व्यू, ये पीछे फोर्ट है, और इधर ये पूरा मिशिगन लेक, देखो कितना सुंदर व्यू है। तो आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप सब मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मैं अपने चैनल पे फिटनेस की, अमेरिका लाइफस्टाइल की, ट्रैवल की और वीजा रिलेटेड वीडियोज डालती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फेरी लेके अब वापस से मैकिना सिटी चलते हैं। मैं यहाँ जा रही हूँ। ये रही फेरी, आप देख सकते हो अभी वापस जाते वक्त कितनी भीड़ है। इतनी सारी साइकिल्स लोग लेके आते हैं। अच्छी राइड थी गाइस। तो मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ दोस्तों, और आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट डे पोस्ट करूंगी। आई होप कि आप लोगों ने मेरी ट्रैवल की वीडियो एंजॉय की, जो मेरी रोड ट्रिप की वीडियो मैंने डाली थी वो आपने एंजॉय किया। तो चलिए ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।